नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंद्रपनैयर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी और जेडीयू में होड़ मच गई है। नीतीश लंबे अरसे से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मुहिम छेड़े हुए थे और अब बीजेपी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। बीजेपी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आज रेल चक्का जाम का ऐलान किया है। रेल चक्का जाम को लेकर बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा कि बिहार आने जाने वाले लोग 28 फरवरी का टिकट रद्द करा दें, नहीं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बिहार से आने जाने वाले मुसाफिरों की तादाद देश के दूसरे राज्यों के लोगों से ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी के रेल चक्का जाम आंदोलन से लोगों को काफी मुश्किलें हो सकती हैं। और बीजेपी के चक्का जाम की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। आपको हम बताते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन सी ट्रेनों पर असर पड़ा है चक्का जाम का। पटना से दानापुर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली पटना राजधानी एक्सप्रेस को रोका। पटना से हावड़ा जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रोका। हावड़ा दानापुर एक्सप्रेस को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फतुहा में रोका। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो जिस प्रकार मिलना चाहिए था, आज केंद्र के सौतेले व्यवहार के कारण, सोनिया मनमोहन के खेल के कारण बिहार को ये काम नहीं मिल पाया। इसके कारण सोनिया मनमोहन के सरकार के खिलाफ आज बिहार की जनता के तरफ से हम लोग आज रेल रोको अभियान के तहत ट्रैक पर हैं और नीतीश कुमार जिसने इस मुद्दे को कमजोर किया उनके कारण आज बिहार का ये विशेष मांग कमजोर पड़ा है। उन दोनों तीनों के खिलाफ बिहार की जनता 2014 के चुनाव में उनको सबक सिखाएगी और रेल रोको के अभियान के तहत हम लोग पूरे सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। और ताजा अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन कुमार का। चंद्रमोहन, एक बार फिर से ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी और जेडीयू के बीच एजेंडा कहीं छिन ना जाए, ये लड़ाई छिड़ चुकी है। हम देख रहे हैं बीते कितने महीनों से जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, जब वो पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी उनके मैनिफेस्टो में था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन अब जैसे ही चुनाव करीब आए हैं तो बीजेपी ने भी वही सुर पकड़ लिया है। बिल्कुल तेजस्वी, आपने सही कहा कि पहले एजेंडा जो है वो जेडीयू का हुआ करता था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे उसके कुछ ही दिन बाद से यह डिमांड होने लगा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उस समय बिहार विधानसभा में सर्वदलीय सम्मति भी पास हुई थी लेकिन जेडीयू इसको आगे हमेशा लेकर चलता रहा। लेकिन जब से बिहार में दोनों दल अलग हुए हैं अब बीजेपी सड़क पर उतरी है और जिस तरह से आज सुबह से उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं इसे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है जेडीयू और बीजेपी ये दोनों इस मुद्दे को लेकर आगे जाना चाहते हैं और दोनों के बीच कंपटीशन भी शुरू हो गया है कि कौन सबसे आगे इस लड़ाई में आगे जाता है। शायद यही वजह है कि आज जो है बीजेपी का रेल रोको आंदोलन है और 2 तारीख को बिहार में जेडीयू का बिहार बंद है। साथ ही कल का प्रोग्राम जेडीयू का है, सुबह में प्रभात फेरी निकलेगी और शाम में थाली पीटो आंदोलन है जिसमें नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जब जेपी सड़क पर उतरे थे उस समय भी थाली पीटी गई थी और एक बार और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लोग अपने घरों में 7:05 तक थालियां पीटेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर। चंद्रमोहन, लेकिन हमें ये भी समझाइए कि बिहार के लोग इस बात से कितना वाकिफ है कि कैबिनेट आखिरी बार संभवतः बैठने वाली है आज, जिसके बाद जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार किसी भी तरह का विशेष दर्जा किसी भी राज्य को नहीं दे पाएगी क्योंकि चुनाव आ जाएंगे। ऐसे में शायद बीजेपी द्वारा जो यहाँ पे एनडीए का गढ़ है उसको शायद इस बात पर सोचना होगा कि शायद इसको अपने मैनिफेस्टो में लाए लोकसभा चुनाव के और ये मांग रखे कि अगर सत्ता में उनकी सरकार आती है तो फिर जरूर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज भी हैं लेकिन यहाँ पे फिलहाल सिर्फ अपनी राजनीति भुनाने की कोशिश में यहाँ पे पार्टियां। चंद्रमोहन, आप अपनी नजर बनाए रखें, आपसे तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने केंद्र सरकार के हाथ में है। ऐसे में बिहार बीजेपी के रेल चक्का जाम आंदोलन को लेकर कई सवाल भी उठते हैं। क्या रेल रोकने से मिल जाएगा विशेष राज्य का दर्जा? क्या यात्रियों को परेशान कर मिल जाएगा विशेष राज्य का दर्जा बिहार को? और रेल मंत्रियों की क्या गलती है इसमें? ऐसे में जो यहां पर रेल यात्री हैं उनकी क्या गलती है क्योंकि यहां पर रेल यात्री विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिला सकते? और आपको बता दें कि यहां पे कई ऐसे लोग भी होंगे जो कि जरूरी काम से आज सफर कर रहे होंगे लेकिन उनको भी इसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। रेल रोकने से क्या विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो पाएगा या फिर ये सिर्फ चुनावों के मद्देनजर अपनी राजनीति मजबूत करने की कोशिश में है चुनावी दल? आपको बता दें यहां पे
सभी दलों की एक ही कोशिश है कि एजेंडा उनके नाम रहे, और ऐसे में अब विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी भी आगे आ गई है।